खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, इस देश को नहीं समझ पाए आप। राहुल बाबा आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो राहुल बाबा, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बोलो है या नहीं है। एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, इस देश को नहीं समझ पाए आप। मेरे इलाहाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो। क्यों सम्मान दो? क्योंकि इसके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। मैं आज पूछने आया हूं सोराव वालों को कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जोर से बोलो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। राहुल बाबा आपने 70 साल तक 370 को बचा कर रखा। प्रयागराज वालों आपने यहां से मोदी जी को चुनकर भेजा, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। भाइयों बहनों ये राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बैठ जाएगी। भाइयों बहनों मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो राहुल बाबा, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है,